मैं करके सबसे आप लोगों के साथ आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की सटासट खबरों पर। सिरोही में पंचायत राज चुनाव को लेकर बॉर्डर मीटिंग हुई। आबू रोड में राजस्थान गुजरात राज्य के पुलिस अधिकारियों की बैठक। एसपी कल्याणमन मीना, पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार, सदर थाना अधिकारी आनंद कुमार भी रहे मौजूद। चूरू में मतदान दलों को किया गया रवाना। सुजानगढ़ और बिदासल में कल है मतदान। केंद्रीय विद्यालय से रवाना हुए मतदान दल। भरतपुर में 7 साल की मासूम से सामूहिक दुष्कर्म। लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल में कराया भर्ती। गांव के ही 3 युवकों पर है आरोप। अजमेर जायरीन के पैसे पार करने वाले युवक से की गई मारपीट। महावीर सर्कल पर चोर को पकड़कर जनता ने की मारपीट। कुछ ही देर में गंज थाना पुलिस पहुंची मौके पर। जमवा रामगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर अधेड़ की गई हत्या। 6 महीने से मैदान से दूर धोनी, BCCI की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से भी हुए बाहर। इस बार 27 खिलाड़ियों से करार, नए 6 नए चेहरे, सिर्फ 3A+ ग्रेड में। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, परीक्षा से पहले हमने बच्चों के साथ अनुभव शेयर किए। बच्चों में परीक्षा को लेकर रहता है तनाव। हमने कहा स्टूडेंट अपना लक्ष्य लेकर तैयारी करें। लालसोट घाटी में फंसा ट्रेलर। अनियंत्रित होने के बाद फंसा ट्रेलर। ट्रेलर फंसने से NH-11 हाईवे पर यातायात हुआ अवरुद्ध। मौके पर पहुंची लालसोट पुलिस। मंत्री प्रसादीलाल मीणा की कार भी फंसी जाम में। पंचायत राज चुनाव को लेकर आबकारी विभाग हुआ सतर्क। CI पोखरलाल गहलोत के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। जवाजा के खेराट, देवता सहित अन्य जगहों पर भी दी गई दबिश। सटासट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।